का हमारा प्रोग्राम सपूत ढाका के ऊपर है। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने जो आखिरी तकरीबात थी अलविदाई उनमें एक जगह पर तकरीब कर फार्मूला पेश हुआ पाकिस्तान बनने से पहले, तो बंगाल की असम्बली में 21 वोटों के मुकाबले में 56 वोटों से बंगाल की तकसीम को नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसा ऐसा उस हादसे की परवरिश कर रही होती है और फिर एकदम ऐसा होता है एक दिन ऐसा। बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, बहुत सारी तहरीरें सामने आई, लेकिन इसमें सबसे जो मुझे जो अट्रैक्ट करती है बात वही सदीक साले की, मैंने ढाका डूबते देखा तो ये एक बड़ी मुस्तरद दस्तावेज मैं इसको इसलिए समझता हूँ कि सदीक साले उस वक्त सारे मराहल के अंदर खुद बता देता। चौथा नुकता, मालियाती हिकमत अमली विफाकी यूनिटों के तहत होगी, विफाक को दिफा और अमूर खारजा के अखराजात के हसूल सरमाया की जरूरी वसाइल मुहैया किए जाए। आइन में हर विफाकी यूनिट को अपने ज़र मुबादला की आमदनी का अलहदा हिसाब किताब रखने और उसको अपने तसरफ में रखने का इख्तियार दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम सपूत ढाका के ऊपर है। जी हाँ, 16 दिसंबर 1971 को हमारे पाकिस्तान जो मुतहदा पाकिस्तान था उसका एक हिसाब से अलग हो गया और उसको सपूत ढाका के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों कुछ तारीखी गलतियाँ, कुछ मुगालते ऐसे होते हैं जो चाहकर भी हमारी बावजूद कोशिश के भी वो हमसे दूर नहीं हो सकते। 1857 की जंग आज़ादी जिसमें हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने के लिए एक जंग लड़ी, हज़ारों हिंदुस्तानियों का वहाँ पर कत्लेआम हुआ, लेकिन हमारे ही कुछ अकाबरीन ने उस जंग को जोलाहों की जंग करार देकर इसको गद्दारी से तशबीह दी और फिर उसको जंगे उसको गदर जो है ना 1857 का गदर कहा गया। तो आज तक ये दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं कि इसको जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी भी कहा जाता है और 1857 का गदर भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह 16 दिसंबर 1971 को ढाका जो है ना सपूत ढाका हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, इसके ऊपर भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, एक ऐसा तारीखी मुगलता तैयार किया गया जानबूझकर कि आज तक लोग इसकी हकीकत जानने के लिए मुंतजर हैं कि इसमें हुआ क्या था, असल सूरत हाल क्या थी। जो हमें मुताले पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, जो हमें सरकारी टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, उसके अंदर तो खैर इसको बिल्कुल ही डिस्कस नहीं किया जाता। आज तक हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। आज तक बांग्लादेश बनने के, मशरकी पाकिस्तान के अलग होने के जो बुनियादी मुहर्रिकात थे वो सामने नहीं लाए जा सके। सिर्फ एक मखसूस मुनज़म अंदाज में दो शख्सियात शेख मुजीबुर रहमान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशाना बनाया गया और आम आदमी के जहन में ये बात बिठाई गई कि बुनियादी तौर पर इनकी वजह से ये मुल्क अलग हुआ है। तो आज हम आपको थोड़ी सी उसकी तफसील बताएँगे कि ये मुल्क किसकी वजह से टूटा था। आइए आगे। कुछ दिन पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने जो आखिरी तकरीबात थी अलविदाई उनमें एक जगह पर तकरीर करते हुए कहा कि सपूत ढाका बुनियादी तौर पर सियासी गलती थी, ये फौजी फेलियर नहीं था, ये बेसिकली सियासी फेलियर था। इसमें आपको बताने वाली बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन ये आधा सच है। उनको चाहिए था कि वो पूरा सच बोलते। आधा सच बिल्कुल ठीक है कि सपूत ढाका मशरकी पाकिस्तान का हमसे अलग होना एक सियासी जो है ना फेलियर था, लेकिन सोचने वाली बात यह कि उस वक्त सियासत कर कौन रहा था। उस वक्त सियासत जनरल याह्या खान कर रहे थे, ये वो पूरा सच था जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बोलना चाहिए था। पूरा सच क्या है ये हम आपको बताएं। बंगाल की तकसीम का जब फार्मूला पेश हुआ पाकिस्तान बनने से पहले, तो बंगाल की असम्बली में 21 वोटों के मुकाबले में 56 वोटों से बंगाल की तकसीम को मंजूर किया। बंगाल ही वो जगह थी जहाँ से मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, बंगाल ही वो जगह थी जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो क्या इस सारे सियासी तनाजुर के अंदर बंगाली गद्दार थे, बंगाली पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, क्या बंगालियों का पाकिस्तान बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्या वजूहात थी ऐसी जिसकी बुनियाद पर बंगाल के लोग हमसे अलग हो गए और हमें भी वो इसलिए अच्छे नहीं लगते थे कि शायद उनका कद छोटा था, उनका रंग सांवला था, वो बोलते बंगला थे, उनके यहाँ सैलाब आते थे, वो हमें लगता था कि हमारा जो बजट है उसके ऊपर वो बोझ हैं। वो बंगाल, वो बांग्लादेश जिसको हमने अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर अपने से दूर किया, आज उसका GDP हमसे कहीं ज़्यादा है, आज उसका लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज़्यादा है, आज उनके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हमसे कहीं बेहतर है। तो यकीनन इस तकसीम का, इस सकूत ढाका का फ़ायदा बंगाल को तो हुआ, हमें नहीं हो सका। तो बंगाली गद्दार थे या नहीं इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे, ये ज़रूर आप सब। कोई भी हादसा एकदम नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसा ऐसा उस हादसे की परवरिश कर रही होती हैं और फिर एकदम ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है जिन वो हादसा रूनुमा हो जाता है। सपूत ढाका भी बिल्कुल इसी तरह था। 1947 से लेकर
1971 तक बांग्लादेश या मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की जो मुक्तदरा हलके थे या ताकतवर जो लोग थे उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ जो रवैया इख्तियार किया, उससे मशरकी पाकिस्तान के जो लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ लगना शुरू हो गए। आप कुदरतुल्ला शाह की शाहनामा पढ़ें, आप अल्ताफ़ गौहर की अयूब खान फौजी राज के 10 साल पढ़ें, आपको पता चलेगा कि 1967 के अंदर जनरल अयूब खान अपने 10 साल जो एक बेहतरीन सुनहरी एक उनके मुताबिक जो दौर था उसके अख्तितामी दिनों में वो ढाका गए हुए थे, तो वहाँ पर उनको इत्तला मिली कि उनके ऊपर कोई शायद हमला होने वाला है। वो उन्होंने एक दिन पेपर मिल का अफ्ताह करने मुआयना करने जाना था, वो वहाँ नहीं जा सके और उसके ऊपर उनको जो साजिश का पता चला तो एक हाई अलर्ट हो गया। और फिर उसके बाद अगरतला साजिश के सामने आया कि इंडिया की रियासत त्रिपुरा का इलाका जो अगरतला था वहाँ पर बंगाली जो रहनुमा थे जो इल्ज़ाम लगाया गया, उन्होंने जाकर इंडिया के साथ जो है ना मामला तय किए हैं और कोशिश की है कि किसी तरीके से एक ऐसी बदनज़मी और बदनज़ामी पैदा की जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश जो है ना वो मारद वजूद में आ सके। उस अगरतला साजिश केस का जनवरी 1958 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उस मुकदमे में पहले शेख मुजीबुर रहमान का नाम शामिल नहीं था, बाद में उस नाम को शामिल किया गया जिसके ऊपर एक अवामी रद्दअमल आया। शेख मुजीबुर रहमान और समेत बहुत सारे लोग, उसमें नेवी के लोग भी थे, कुछ लीडरशिप थी, उनको उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। हालात जब बिगड़ना शुरू हो गए तो फिर उसी शेख मुजीबुर रहमान को जेल से निकाला गया और जेल से निकालने के बाद उसको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के अवाम उस वक्त तक पाकिस्तान के इन फैसलों से, इस्टेब्लिशमेंट के इन फैसलों से बहुत दूर हो चुके थे। सवाल अब भी वही है कि क्या बांग्लादेश का बनना ज़रूरी था, क्या बांग्लादेश हमारे फ़ायदे में था हमसे अलग होना, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रख लें कि जो लोग ये मुल्क बनाने वाले थे, जो लोग इस मुल्क की इब्तदा करने वाले थे, इसकी तहरीक की इब्तदा करने वाले थे, इसके लिए तंजीमी तौर पर आगे आकर आने थे, उनका सियासी शऊर अपने रूट के ऊपर था, वो इस पाकिस्तान को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। उनके नज़दीक जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो मुल्क हासिल किया था उनको वो पाकिस्तान चाहिए था। ये जो पाकिस्तान था ये जी एम सैयद की तरह की बात है कि जी एम सैयद ने कहा था कि हमने तो इस तरह का पाकिस्तान नहीं मांगा था जो आपने हमें दे दिया है, हम तो कुछ और सोच कर मांग रहे थे। तो यकीनन इसकी जो मुतालबा था उसमें और जो कुछ बना और जो कुछ उसके अंदर हो रहा था उसके अंदर बहुत फ़र्क था, और वो लोग जो इसके साथ मुखलिस थे वो बहुत डिस्टर्ब थे, वो बहुत परेशान थे, उलझनों का शिकार थे कि जी हमने मांगा क्या था और हमें क्या मिल रहा है। अयूब खान अपने इख्तदार को दवाम ना दे सके, बिल आखिर बामरे मजबूरी उन्होंने अपना इख्तदार छोड़ना पड़ा, और अपना इख्तदार छोड़ते छोड़ते भी वो इसको सियासी क़यादत के हवाले नहीं करके गए, उन्होंने ये इख्तदार जनरल याह्या खान को दे दिया, और जनरल याह्या खान वो बुनियादी मुहर्रिक थे जिसकी वजह से ये सारा वाक्य और सानिया रूनुमा हुआ। जनरल याह्या खान ने बजाय इसके कि इंतकाल इख्तदार पुरअमन तरीके से करते और इलेक्शन के अंदर जो सियासी जमात कामयाब हुई थी उसको देते, वो इस दौरान कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से उनकी एडजस्टमेंट हो जाए, उनको जो है ना कंटिन्यू किया जाए, लेकिन उनके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से दरवाजे बंद थे जिस पे उन्होंने इख्तदार शेख मुजीब के हवाले नहीं किया। ढाके के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, बहुत सारी तहरीरें सामने आई, लेकिन इसमें सबसे जो मुझे जो अट्रैक्ट करती है बात वही सदीक साले की, मैंने ढाका डूबते देखा तो ये एक बड़ी मुस्तरद दस्तावेज मैं इसको इसलिए समझता हूँ कि सदीक सालिक उस वक्त सारे मराहल के अंदर खुद बताते खुद मौजूद थे, उनका जो विज़न था, उनका जो देखने का स्टाइल था, या वो जिस तरीके चीज़ों को जिस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे थे उसको उन्होंने लिखा। उसमें हो सकता है उनकी कहीं पर बहुत सारी मजबूरियां हों, लेकिन जितना कुछ उन्होंने लिखा है वो हमें सकूत ढाका के मामले को समझने के लिए बहुत सारा काफ़ी है। इसमें आज मैं सिर्फ एक सदीक सालिक की जो किताब है मैंने ढाका डूबते देखा, उसमें से उसके उन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि वो 6 नुकात आप तक पहुंचे कि कम से कम आप एक दफ़ा देख तो लें कि उन 6 नुकात में था क्या, शेख मुजीबुर रहमान का दावा गलत था, मुतालबा गलत था या दुरुस्त था, कम से कम इसका फ़ैसला बैठकर आप कर लें कि, और फिर ये सोचें कि अगर ये दुरुस्त था तो इसको तस्लीम क्यों नहीं किया गया इन 6 नुकात। सदीक साले की किताब मैंने ढाका डूबते देखा का जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सफ़र नंबर 221 के ऊपर वो लिखते हैं। पहला नुकता, असल में क्या था कि दस्तूर में करारदाद लाहौर की बुनियाद पर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान का एक ऐसा विफाक कायम किया जाए जिसमें बालिग रायदही के असूल पर बराह रास्त मुंतखब शुदा मजलिस कानून साज को बालादस्ती हासिल हो।
इसमें तरमीम बाद में की गई कि तर्ज हुकूमत विफाकी और पार्लिमानी होगा। विफाक की मजलिस कानून साज और विफाक में शामिल यूनिटों की मजलिस कानून साज को आम बालग राय दही के असूल पर बराह रास्त मुंतखब किया जाएगा। विफाक मजलिस कानून साज में नुमाइंदगी का तनासुब जबान की बुनियाद पर होगा। ये था जी पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता, विफाकी हुकूमत सिर्फ दिफा और अमूर खारजा के शोबों का इंतजाम करेगी, बाकी तमाम शोबे विफाक में शामिल तमाम रियासतों के तहत होंगे। और इसमें बाद में तरमीम की गई कि विफाकी हुकूमत सिर्फ दिफा और अमूर खारजा के शोबों की जिम्मेदार होगी। इसके अलावा दर्जेल नुक्ता स्वयं की शर्त के साथ करंसी भी उसके सपर्द होगी, यानी तीन महकमे दिफा खारजा और करंसी सिर्फ विफाक के पास होगा, बाकी सूबों के पास। रहमान का चौथा नुक्ता, मालियाती हिकमत अमली विफाकी यूनिटों के तहत होगी। विफाक को दिफा और अमूर खारजा के अखराजात के हसूल सरमाया की ज़रूरी वसाइल मुहैया किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत इन वसाइल के तसरुफ व इस्तेमाल के तरीक़ाकार और तनासुब वगैरह के ज़िमन में इन ज़वाबित को मलूद रखेगी, जिनकी सराहत आइन में कर दी जाएगी। शेख मुजीब रहमान का पाँचवा नुक्ता, आइन में हर विफाकी यूनिट को अपने ज़र मुबादला की आमदनी का अलहदा हिसाब किताब रखने और उसको अपने तसरुफ में रखने का इख्तियार दिया जाएगा। विफाक के ज़र मुबादला की ज़रूरियात विफाकी यूनिटों की हुकूमतों के इस तनासुब और इस तरीक़ाकार के मुताबिक मुहैया करेंगे, जिसकी सराहत आइन में मौजूद होगी। इलाकाई हुकूमतों को तिजारत और इमदाद के लिए बैरूनी ममालिक से मुज़ाकरात करने का इख्तियार हासिल होगा। इसमें उनको बहरहाल हर हाल में मुल्क की खारजा पॉलिसी के दायरे में रहना होगा, जिसका तयन करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। शेख मुजीब रहमान का छठा और आखिरी नुक्ता, विफाकी यूनिटों की हुकूमतों को कौमी सलामती में मौसर किरदार अदा करने की गर्ज़ से मलेशिया या नीम अस्करी तर्ज की तंजीमत कायम करने का इख्तियार होगा। तो दोस्तों, ये थे वो छः नुकात मुजीब रहमान के, वो छः नुकात जिनको तस्लीम नहीं किया गया, जिनको इनकार किया गया, जिस पे इसके बावजूद शेख मुजीब रहमान इस प्रोसेस का हिस्सा रहे, वो इलेक्शन लड़े, उन्होंने अक्सरियत हासिल की। जनरल याया खान इक्तदार इंतकाल इक्तदार के मरहले को बाखूबी या ऐसा तरीके से नहीं निभा सके, उनका प्रॉब्लम कुछ और था, वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनको जो है ना आगे लेकर चला जाए, लेकिन उसको साथ लेकर चलने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए आप मुझे सिर्फ ये छः नुकात सुनकर ये बता दें कि आज की जो 18वीं तरमीम थी, जो पीपल्स पार्टी की कोशिशों से और मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से मारद वजूद में आई, सिर्फ आप थोड़ा सा गौर करें कि इसका जो मतम नज़र है इन छः नुकात का, जो इसके पीछे सोच थी कि 18वीं तरमीम वो नहीं है, वही कुछ हो चुका है। आज भी 18वीं तरमीम इस निज़ाम के अंदर एक खलल का जो है ना बायस बनी हुई है कि यहाँ पर सूबों को खुद मुख्तारी क्यों दी गई। आज सूबे ज़ाती हैसियत में दीगर ममालिक से रबते करते हैं, करते लेते हैं दी हुई आइनी हदूद के अंदर। यही कुछ शेख मुजीब रहमान कह रहा था, उस पर आपने उस वक्त नहीं माना, लेकिन सियासी कुव्वतें जब ताकत पकड़ सियासी कुव्वतों ने जब ताकत हासिल कर ली तो उन्होंने 18वीं तरमीम कर दी, जो आपके लिए वजह जो है ना अदाब बनी हुई है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जितने दोस्त इस सकूत ढाका के मुगालते से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, तो एक तो इसके पूरे वो तारीख को एक दफ़ा फिर से पढ़ें। बंद करें ये इल्ज़ाम तराशी शेख मुजीब रहमान पर, बंद करें ये इल्ज़ाम लगाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर। ये कुव्वतें कुछ और थीं, ये लोग कुछ और थे जो कुछ करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया। आप शाहनामा में पढ़ लें, आप अल्ताफ़ कुंवर को पढ़ लें, जिसपे जनरल यूब ने कहा कि वो लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, मैंने इसलिए उनको अलहदा दारुल हुकूमत दे दी है। क्या उस वक्त भुट्टो इलेक्शन के लिए या सीटें जीत कर इकतदार के लिए मुतालबा कर रहे थे? नहीं, ये मामला बहुत पहले से चले आ रहे थे। ये मामला को इस बिगाड़ की तरफ लाया गया एक शौरी कोशिश के साथ कि कम से कम बांग्लादेश हमारे साथ ना हो, और उस पर इल्ज़ाम क्या किया कि इल्ज़ाम उठाकर आपने सियासी क़यादत के ऊपर डाल दिए। हम कब इसलाह करेंगे अपनी, हम कब सीखेंगे? हमारे लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि इन तारीखी मुगालतों को दूर करना होगा, हकायक लोगों के सामने लाने होंगे, हमें अपनी गलतियों को जो गलती थी उसको तस्लीम करना पड़ेगा, वो चाहे पोलिटिकल लीडरशिप थी, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। जिस दिन हम अपनी गलतियों को ऑन कर लेंगे, हम अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेंगे, उसके बाद हमारे साथ सकूत ढाका जैसा कोई सानिया दोबारा नहीं होगा। ये चंद मारूदात, उम्मीद है आप सकूत ढाका के ऊपर एक दफ़ा फिर किताबों को और जो न्यूट्रल लिखने वाले हैं उन हकायक को आप ज़रूर पढ़ेंगे, जिससे आपको कम से कम ये तय होगा कि सकूत ढाका के पसे पर्दा जो मुहर्रिक थे वो क्या थे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, आपका प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।